नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M13 5G versus OnePlus Nord CE2 Lite 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M13 5G में 6.48 इंच जबकि CE2 Lite 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M13 5G में 3.01 इंच जबकि CE2 Lite 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M13 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M13 5G में 0.35 इंच जबकि CE2 Lite 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 195 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M13 5G में LCD जबकि CE2 Lite 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M13 5G में 6.5 इंचेस जबकि CE2 Lite 5G में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M13 5G में 720x1600 और CE2 Lite 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M13 5G में 81.06% जबकि CE2 Lite 5G में 84.41% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M13 5G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CE2 Lite 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M13 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और CE2 Lite 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M13 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE2 Lite 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M13 5G में Mali-G 57 MC2 जबकि CE2 Lite 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M13 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और CE2 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M13 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है, जबकि CE2 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M13 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि CE2 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M13 5G में 3 कलर्स जबकि CE2 Lite 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M13 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CE2 Lite 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M13 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord CE2 Lite 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में CE2 Lite 5G आगे है, मेन कैमरा में CE2 Lite 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में CE2 Lite 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y28T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।